Starting with the 10th one, it says loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? अब यहाँ पे उन्होंने बोला है स्पीड बिल्कुल सेम रहेगी 25 मिनट के बाद भी, और 5 घंटे तक कितना वो चल पाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग बातें की जा रही है, एक तो उन्होंने डिस्टेंस दे दिया, दूसरी उन्होंने क्या बोला है टाइम दे दे। पहला पहला क्या दिया हुआ है हमें कि 14 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर पाएगा, 25 मिनट्स में। और दूसरा उन्होंने पूछा 5 घंटों में कितना होगा। अब यार अगर टाइम एक क्वांटिटी, पहली वाली क्वांटिटी मिनट्स में, तो दूसरी वाली क्वांटिटी को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँ, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो 5 आवर्स को हम मिनट्स में कैसे कर सकते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 5 × 60 कितना हो गया 300 मिनट्स। और यहाँ पे X2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग की 300 मिनट में कितनी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। 14/25 इज इक्वल टू X2/300। अब X2 की वैल्यू निकालनी है तो 300 आपका ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 × 300/25, X2 आ गया। अब 25 और 300 को हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 12। 14 × 12 कितना हो गया आपका 168। 168 किलोमीटर वुड बी द आंसर, कि मतलब 5 घंटे में कितनी देर गाड़ी चल जाएगी, 168 किलोमीटर।